बहन मोहती जी द्वारा उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो चुका है और वो लोग भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। श्री नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी उर्फ मुन्ना त्रिपाठी ये प्रत्याशी हैं, श्री हरि प्रयागराज से, श्री घनश्याम पांडे जी प्रत्याशी प्रतापपुर से, श्री संजय गोस्वामी जी प्रत्याशी शहर उत्तरी से, श्री राम तोलन यादव जी प्रत्याशी फूलपुर से, श्री राम बलि जैसल जी प्रत्याशी कोराव से, श्री अजय यादव प्रत्याशी रानीगंज से, श्री आशुतोष त्रिपाठी प्रत्याशी सदर प्रतापगढ़, श्रीमती डॉक्टर नीतू कनौजिया प्रत्याशी मंजनपुर कौशाम्बी, श्री अतुल द्विवेदी जी प्रत्याशी चायल कौशाम्बी, श्री संतोष त्रिपाठी प्रत्याशी सिराथू कौशाम्बी, श्री दशरथ लाल सरोज जी प्रत्याशी खागा फतेहपुर, श्री फरीद अहमद प्रत्याशी हुसैनगंज फतेहपुर। तथा आज खुशी की बात यह है कि हमारी पार्टी के मुखिया ने कुछ अन्य लोगों को भी अपना आशीर्वाद दे दिया है और उनको प्रत्याशी घोषित करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर डाली है कि हम आपकी जनसभा में करें, और वो है श्री सर्वेश तिवारी जी उर्फ बाबा तिवारी जी विधानसभा मेजा से, नौजवान हम लोगों के साथी बहुत पुराने साथी हैं, कर्मठ नेता है, मजबूत नेता है। श्री फूलचंद मिश्रा जी विधानसभा पट्टी से प्रतापगढ़ से, श्री फूलचंद मिश्रा जी इनको भी बहन मायती जी ने विधानसभा पट्टी प्रतापगढ़ से इनको प्रत्याशी बनाने का काम किया है और इनकी घोषणा भी आज हो रही है। और इनके साथ साथ में श्री आदित्य पांडे जी जो हम लोगों के पूर्व में एमएलए रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, और ये विधानसभा जहानाबाद से, ये फतेहपुर से आपके प्रत्याशी के रूप में इनको भी बहन मायती जी ने घोषित करने की अनुमति आज हमको दी है और इनको भी हम लोग प्रत्याशी के रूप में घोषित करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री भामे शुक्ला जी भी बैठे हैं कर्छना प्रयागराज से, श्री लल्लन पटेल जी शहरी कश्मीर विधानसभा से प्रयागराज से, श्री ओम प्रकाश पटेल जी पापामऊ विधानसभा से, श्री आनंद पासी जी सोराव विधानसभा से, और श्री संजय त्रिपाठी जी विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ से भी, ये भी हमारे बीच में मौजूद है। भाइयों, आपको एहसास हो गया होगा और आपने ये जान लिया कि अब क्या होने वाला है। 10 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, 10 दिन बाद चुनाव घोषित हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज आप लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और जिस तरह से जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है, वो आपने स्वयं देखने का काम कर लिया। इसलिए अब आपको खुद भी विश्वास अपने ऊपर हो जाएगा कि अब की बार आप अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर और बहन मायती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं।